अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मैं कर रही हूँ पूजा, क्योंकि हमारा ब्लॉग का शुरुआत हो या घर का काम का शुरुआत हो, मेरा यहीं से होता है। पहले मैं एक काम करती हूँ, पूजा करती हूँ, उसके बाद से जो भी है मैं अपना घर का काम करती हूँ। बाकी घर का सारा काम हो चुका है, तो फिर चलिए मैं पूजा पाठ करके मिलती हूँ। मैं बैठी हूँ, पूजा पे ही बैठी हूँ, तो जा रही थी पूजा करने के लिए, तो चलिए मिलती हूँ पूजा उजा करके। ये थोड़ा सा मैं शाम को आ गई हूँ यहाँ पे, ऐसे ही घूम रही हूँ, घूम घूम कर ये सब देख रही हूँ। मौसम बहुत प्यारा हुआ है तो ये सब देख रही हूँ। यहाँ कपड़े भी था तो कपड़े भी लाना था मुझे, कपड़े सारा सूख गए थे, इसके लिए मुझे कपड़े ला कर फिर तय लगा कर प्रेस करके ही रखना था, कि इसमें यूनिफॉर्म भी था बच्चों का और उनका सब टी शर्ट वर्ट था। इसकी वजह से मुझे थोड़ा सा चल के थोड़ा सा टेरेस पर भी वॉक कर लेती हूँ शाम वाला, और लेकर भी आ जाती हूँ। तो वो यहाँ पे लड़का था, उसे बातें उतें कर रही थी। हाँ पता नहीं, मतलब ये बारिश हो भी रही है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, कुछ समझ में आ ही नहीं रहा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा बारिश होकर ना बंद हो जा रहा है, इसकी वजह से गर्मी और ज़्यादा हो रहा है। अब मैं अपने आ गई हूँ घर के अंदर। अब थोड़ा सा चाय नाश्ता करूँगी। चाय नाश्ता करने के बाद से मैं और यहीं पे कपड़ा रख दी कि मुझे प्रेस करके रखना है, और उधर वो अपने पढ़ रहा है यूट्यूब से। यहाँ मैं अब अपने लिए चाय बनाऊँगी और थोड़ा सा मखाना भूनूंगी, क्योंकि मखाना कही थी मैं ही ज़्यादा करके करती हूँ, खाती हूँ, इन लोग का उतना ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मैं चाय। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। ऐसे कल कोई घर पे आ गया था, इसके लिए मैं नहीं कल बना पाई पूरा, क्योंकि रात को खाना वाना खा कर वो गए थे यहाँ से गए, इसके वजह से मैं नहीं बना पाई। तो ये है नेक्स्ट डे का। फिर से मौसम बहुत प्यारा, मतलब बहुत प्यारा हुआ है मौसम, क्योंकि यहाँ पे बारिश हो नहीं रही थी, कल से बारिश हो रही है, वो भी सुबह सुबह। तो सुबह तो बारिश हुई थी, अभी सुबह का ही टाइम है। बहुत अच्छा लग रहा है, मैं ऐसे ही टेरेस पे घूम रही हूँ। अब जब घूम कर जाकर थोड़ा सा पहले गर्म पानी पीऊँगी, गर्म पानी थोड़ा सा गुनगुने करके पानी पीकर जब तक अपने घर का डस्टिंग करूँगी, तब तक मेरी हाउस हेल्पर आ जाएगी, अपना झाड़ू पोछा करेगी, फिर अपना नहा वहा कर वही पूजा करूँगी। पूजा करने के बाद से जो भी है खाना वाना बनाऊँगी, जो घर का काम है वो करूँगी। चलिए आप लोग को मौसम दिखाती हूँ पहले। ये मौसम देखिए कितना प्यारा, चारों तरफ हरियाली हरियाली है। फिर मैं घूम कर आकर अपना जो डस्टिंग था वो थोड़ा बहुत की, और यहाँ पे लड़का सोया था ये ना हटा कर, राधिका अपना झाड़ू पोछा करेगी। अब मैं फिर तब तक बारिश होने लगी, तो फिर मैं बारिश का फ़ायदा उठा कर आ गई यहाँ पे मैट साफ़ करने के लिए, क्योंकि मशीन से मैं कभी नहीं साफ़ करती हूँ। मशीन से क्या होता है ना, ख़राब हो जाता है, उतने महंगे महंगे ले कर आओ और ख़राब हो जाता है, इसके लिए मैं हाथ से ही धोती हूँ, नहीं तो फिर बाहर देना पड़ता है धुलने के लिए। तो सबसे अच्छा है कि यहाँ पे अच्छे से हो जाता है, पानी भी है, सब कुछ है। अब बाद में बारिश, हल्का हल्का बारिश है, यहाँ पे पानी लगा हुआ है, तो मैं उसका फ़ायदा उठा कर अच्छे से क्लीन कर दूँगी। क्लीन करने के बाद से उसको वाइपर से ही क्लीन कर दूँगी, हाथ से नहीं, क्योंकि बहुत हाथ दुख जाता है यार। मैं कभी कभी हाथ से धो लेती हूँ, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि कमर में दर्द हो जाता है, इसके लिए मैं बाहर देती हूँ धोने के लिए। लेकिन आज फ़ायदा उठा कर यहीं पर धो रही हूँ। अब नीचे धोकर उसके बाद से क्या कि हैंगर पे डाल के ना घर से पानी मंगा कर धुली। अभी देखिए पानी लगा ही हुआ है, तो यहाँ पे अच्छे से मेरा क्लीन हो जाता है। एक औरत ही घर को, उसको पता होता है हाउसवाइफ को, कि मतलब कहाँ से कहाँ हम पैसा बचा सकते हैं, कहाँ मैं सेविंग कर सकती हूँ, तो वहाँ ज़रूर हो जाता है। देखिए यहाँ पर मैं अपना शेविंग कर चुकी हूँ। पूजा पाठ हो चुका है, आज बारिश का फ़ायदा उठा कर मैं
अपना जो मैट वेट था सारा साफ कर की छत टेरिस पे ले जाकर अच्छे से, फिर बाद में घर से पानी ले जाकर अच्छे से उसको क्लीन कर दी। आ देखिए बारिश भी हुई और उसके बाद से धूप भी आया तो मेरा काम भी हो गया, क्योंकि कि तो बाहर देना पड़ता था धोने के लिए, नहीं तो हाथ से धो तो बहुत मेहनत लगता है, बहुत मेहनत लगता है। तो आज बारिश का फ़ायदा उठा रही सुबह जल्दी उठकर, तो पूजा पाठ कर चुकी हूँ। पूजा पाठ करने के बाद अब जा रही हूँ, कान्हा को खाना खिला दी, अब जा रही हूँ मैं अपना नाश्ता करूँगी। नाश्ता करने के बाद मैं फिर किचन में आप लोग से मिलती हूँ। फिर मैं अपने किचन में आ गई हूँ। मैट धोने के बाद से आकर नहा कर पूजा की, पूजा करने के बाद से आकर मैं अपने किचन में दूध गर्म की, दूध गर्म करके कोन और दूध ब्रेकफास्ट में ले रही हूँ। यही थोड़ा सा मैं भूख लगा दूँगी उनको, अपने कान्हा को, कान्हा जी को भूख लग जाएगा, उसके बाद से मैं अपना करना थी ब्रेकफास्ट कर लूँगी। अब उनको वही लेकर जा रही हूँ, उनको करा दूँगी। कराने के बाद उनको थोड़ा सा उसी में से निकाल के रख देती हूँ, इसमें क्या है, उसके बाद से मैं आ गई हूँ। थोड़ा सा शांति से बैठकर अपना नाश्ता करूँगी। नाश्ता करने के बाद, क्योंकि सबका नाश्ता हो चुका है, सब लोग अपने अपने पसंद का बनाकर नाश्ता कर चुके हैं, अरे मेरी पसंद है तो मैं अपने पसंद से कर रही हूँ। अब मैं इसके बाद खाना वाना पकाऊँगी, तो वो वीडियो कल आएगा नेक्स्ट डे में। यहाँ तो आज दिन है मंगलवार, सॉरी मंगलवार नहीं, बुधवार आज दिन है। तो चलिए मैं आज स्कूल ये लोग भी नहीं गए क्योंकि बारिश इतना तेज़ हो रही थी सुबह सुबह, इसकी वजह से वो स्कूल नहीं गया लड़का मेरा, बेटा मेरा, इसलिए कि स्कूटी से जाता है तो स्लिप वलिप हो जाता या कुछ भी हो सकता था, तो इसके वजह से वो नहीं गया आज स्कूल। इन लोग का कॉलेज अभी तक खुला नहीं है, अब देखते हैं इसी महीने में खुलने वाला है। अपने अब इन लोग के लिए तैयारियाँ सब करना पड़ेगा, मुझे सब कर लूँगी। और अब क्या बोलूँ, मुझे मतलब जो ये है समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग से क्या बोलूँ, क्यों नहीं मैं बना रही थी। बहुत नहीं होता है कि नहीं, एक तो मेरा तबीयत ठीक नहीं थी, उसके बाद से छोड़ो मतलब ऐसा हो रहा था, छोड़ो नहीं बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। फिर मैं मुझे अपने आप से लगा कि नहीं यार बनाना चाहिए, क्योंकि चैनल मोनेटाइज हो गया है मेरा। चैनल मोनेटाइज के बाद कुछ ना कुछ डालते मतलब डालते ही रहना चाहिए, तो ज़्यादा करके मेरा शॉर्ट वीडियो ही जाता था कान्हा जी का, इसका उसका। तो अब कंटिन्यू करूँगी, धीरे धीरे एक्टिव हो रही हूँ। अभी मेरा टाइम अभी उतना मतलब टाइम को तो नहीं बोलूँगी कि फिक्स है, लेकिन हाँ अगर टाइम पे डालूँगी तो मैं 10 बजे कोशिश करूँगी कल से मेरा वीडियो 10 बजे का, 10 मतलब 10 बजे तो 10 बजे आए ही। मैं बहुत कोशिश करूँगी कि मेरा मैं एक्टिव अब रहूँ। चलिए अब मैं ये मेरा मतलब सुबह का यही नाश्ता है मेरा, कौन और दूध, जैसे चेंज कर करके खाती पीती अपना नाश्ता करती हूँ। कभी ओट्स हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, क्योंकि मोटापा बढ़ते जा रहा है। मोटापा से ना बहुत मतलब दर्द झेलना पड़ता है, पैर में दर्द हो जा रहा है इसके वजह से। तो आज तो बारिश हुई है लेकिन फिर भी धूप निकल गई है, तो गर्मी तो बहुत है। तो चलिए मेरा कल का भी है और आज का भी है, तो मैं अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। और जो भी होगा मैं इस टाइम से आप लोग को मतलब फिर से मैं अपना ब्लॉगिंग चालू करूँगी। मैं आराम नहीं करूँगी, आराम बहुत हो गया है बेटो। जैसा भी है प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर पसंद आए तो लाइक कीज कर दीजिए, और नहीं पसंद आए तो मत कीजिए, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। बस एक मेरा एक होता है ना कि बच्चे घर पे नहीं रहते हैं, ये घर पे नहीं है, तो ये मेरा टाइम पास है, तो कोई बात नहीं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।